all students, good morning. Welcome to Siddharth Public Inter College, लक्ष्मी महानगर मुल्लापुर में. आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया गया कि आप टेंस क्या होता है. तो टेंस के बारे में हम पिछले चैप्टर में बता दिए थे, उसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. प्रेजेंट टेंस का जो है प्रेजेंट यूनिट पढ़ चुके हैं, अब कंटिन्यूस पढ़ेंगे हम लोग. तो सबसे आसान तरीका है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट माने होता है उपस्थित और कंटिन्यूस माने होता है लगातार, और टेंस माने तो आप लोगों को पता है ये काल होता है. टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप देखेंगे कि जहाँ पे कार्य हो रहा है या किया जा रहा है लगातार, इसमें कार्य पद्धति जो चलती रहती है, तो इसको हम पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे. तो इस तरह हम कह लिया जाए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहे हैं, इस तरह के जो शब्द आते हैं लास्ट में जो आते हैं किसी भी वाक्य के, तो हम लोग समझ जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो इसका रूल जो है इस प्रकार है कि हिज इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ, हिज इट सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और वी यू दे प्लुरल नंबर के साथ, बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं. इसका एक टीचर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब कंप्लीट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. तो हम एग्जांपल के द्वारा हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि सोहन बाजार जा रहा है, सोहन बाजार जो है जा रहा है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सोहन है, तो सोहन हम लिखेंगे सबसे पहले. उसके बाद देखेंगे कि ये सिंगुलर नंबर है कि प्लुरल नंबर है, तो ये सिंगुलर नंबर है तो हम तुरंत जो है यहाँ पर हम इज लगा देंगे. तो सोहन इज हो गया. उसके बाद इसका वर्ब क्या है, क्या कर रहा है, तो गो माने जा रहा है. तो हम बता चुके हैं नियम में कि गो के साथ हम आई एन जी लगाएंगे, तो गोइंग टू मार्केट. तो ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया, जो सिंपल सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया. सोहन बाजार जा रहा है, तो सोहन इज गोइंग टू मार्केट. आप लोग को समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव में. तो सेम उसी तरह से निगेटिव इसका होता है कि जब कोई भी वाक्य नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो हम ठीक हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बाद ही जो है हम नॉट का प्रयोग करेंगे. चाहे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी वाक्य हो, तो हम सहायक क्रिया के बाद ही जो है नॉट का प्रयोग करते हैं. तो हमारा इसमें जो है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर है, तो इज एम आर के बाद हम तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे. इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लिया जाए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट. अगर हम यहाँ पर जो वर्ब लगाए हैं तो यहाँ पर हम तुरंत यहाँ पर नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और प्लस जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस आई एन जी रहेगा. उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे. और इसका एग्जांपल है कि राकेश घर में नहीं सो रहा है. तो हम देखेंगे भली बात है कि राकेश जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद हम देखेंगे कि सिंगुलर नंबर है कि प्लुरल नंबर है. तो सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पर हम एक वचन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, और उसके जस्ट तुरंत बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं. ये हमारा निगेटिव हो गया. उसके बाद इसका मेन काम क्या है, स्लीपिंग करना. तो कहाँ स्लीपिंग कर रहा है, स्लीपिंग इन द हाउस. कहाँ कर रहा है, तो घर में कर रहा है, तो इन द हाउस हो गया. तो इस तरह से हम समझ जाएंगे, पूरा सेंटेंस हमारा होगा राकेश घर में नहीं सो रहा है, तो राकेश इज नॉट स्लीपिंग इन द हाउस. अब चलिए. हाँ, तो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान देंगे, आप लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं, निगेटिव पढ़ चुके हैं, और जो है तीन नंबर पे जो है इंट्रोगेटिव है. तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं. यदि वाक्य क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम जो है कोई भी वाक्य को सहायक क्रिया से पहले शुरू करेंगे, और जो सेकेंड वाला है, जो सेकेंड जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्वेश्चन मार्क रहता है, तो उसमें जो है कब कहाँ क्यों कैसे इस तरह के सेंटेंस आते हैं. तो हम समझ सकते हैं कि ये आप लोग को भी बता दे रहे हैं इस चीज़ को. तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है यदि कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है. क्या से शुरू का मतलब क्या होता है कि
क्या सीता बाजार जा रही है, क्या सीता घर में जा रही है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर रहेगा हमारा इज एम आर। ये इज एम आर पहले क्या के लिए बताया गया है, पहले हम क्या वाला जो सब्जेक्ट है वो इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद तुरंत हम सब्जेक्ट पर आते हैं कि सब्जेक्ट करता हमारा क्या है। उसके बाद अगर निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, अगर निगेटिव नहीं है तो हम निगेटिव नहीं बनाएंगे। अगर उसके बाद तुरंत हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस आई एन जी रहेगा और उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या श्याम छत पर नहीं हंस रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या से शुरू है, तो हम तुरंत देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये तो सिंगुलर है तो हम तुरंत हम यहाँ इज लगा देंगे, इज श्याम कर देंगे। उसके बाद तुरंत आपका जो सब्जेक्ट है श्याम, उसको श्याम लगा देंगे और श्याम के बाद तुरंत ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद हमारा मुख्य कार्य क्या है, जो मेन वर्ब हमारा क्या होता है, उसके बाद इसका मेन वर्ब जो है लाफिंग करना है। लाफ करना है मतलब कि लाफिंग करना है, तो हम तुरंत लाफिंग लगाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद कहाँ कर रहा है, तो ऑन द रूफ यानी छत पे कर रहा है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को समझ जाएंगे, क्या श्याम छत पर नहीं हंस रहा है, तो इज श्याम नॉट लाफिंग ऑन द रूफ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम सेकेंड वाले बताएंगे इंट्रोगेटिव। सेकेंड वाले इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं जिससे कोई क्वेश्चन करता है। उसमें ये होता है कि कब कहाँ क्यों कैसे, जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी से, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से अगर पूछता है कोई बात तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, तो उसके द्वारा हम ये समझ जाते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो तुरंत यदि वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद आपका तुरंत हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज एम आर रहेगा, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट रहेगा प्लस नॉट रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस आई एन जी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में स्टूडेंट्स कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इसलिए अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, तो ये कंपलसरी है कि आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद जो है एग्जांपल हमारा ये है, इसका एग्जांपल आप देखेंगे कि राधा क्यों नहीं घर में सो रही है, राधा क्यों नहीं घर में सो रही है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वाई विच वेन, मैंने पहले बता दिया यदि वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे आ जाएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले एक नंबर पे हम यहाँ लेकर आएंगे वाई, वाई माने क्यों होता है। उसके बाद हम तुरंत सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, तो वाई इज राधा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा राधा, उसके बाद निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर निगेटिव है तो हम तुरंत नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद तुरंत हम मेन वर्ब लगाएंगे, स्लीपिंग हमारा मेन वर्ब है और इन द हाउस। तो हम इस तरह से सेंटेंस को पढ़ेंगे, राधा क्यों नहीं घर में सो रही है, तो वाई इज राधा नॉट स्लीपिंग इन द हाउस। आप लोग को भली बात ही समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग को बता चुके हैं कि टेंस के बारे में बता दिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के बारे में। तो आपको एग्जाम्पल भी बता चुके हैं और एग्जाम्पल के बारे में जो है आप लोग को उसमें अवगत भी करा दिए। अब जो है मिक्स एग्जाम्पल जो है इसमें हम आप लोगों को बताएंगे, अगर किसी प्रकार की कहीं त्रुटि हो या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ये सिंपल सेंटेंस, पहले ये देखेंगे सेंटेंस को कि वाकई में सेंटेंस सिंपल है कि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है कि या इंट्रोगेटिव सेकेंड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये सिंपल सेंटेंस है तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम साधना बनाएंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पर इज लगाएंगे, सहायक क्रिया सिंपल है। तो उसके बाद इसका मेन काम है रीडिंग करना, आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग करना, और उसके बाद कहाँ करती है तो इन द क्लास हो गया। इसके बाद समझ में आ गया होगा, सबसे पहले साधना, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब है इज है, एक सिंपल है तो एक बचन है तो, और उसके बाद जो है हम तुरंत वर्ब लगाएंगे, इसका मेन वर्ब है रीडिंग करना, तो रीड कर रहा है कहाँ कर रहा है तो इन द क्लास में, कमरे में कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है, रमेश कमरे में नहीं दौड़ रहा है। तो सबसे पहले रमेश उठाएंगे, रमेश, इसके बाद ये भी सिंपल है, सिंगल नंबर है तो यहाँ पर इज लगाएंगे, और यहाँ पर इज लगाने के बाद हम तुरंत इज के बाद तुरंत ही हम नॉट लगाएंगे, इसलिए कि हम नियम में बता चुके हैं इससे पहले नॉट लगाएंगे। इसका मेन काम है रन, आर यू डबल एन होता है आई एन जी, रनिंग, उसके बाद कहाँ इन द रूम आर डबल ओ एम रूम।
सबसे पहले रमेश बनाएंगे, रमेश के बाद तुरंत हम सहायक क्रिया ई लगाएंगे, ई के बाद तुरंत नट लगाएंगे और नट के बाद इन द रूम कहाँ कर रहा है तो इन द कमरे में कर रहा है तो कमरे में हम लिख देंगे, इन द रूम लिख देंगे। और एक बात ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे स्पेलिंग होते हैं कि जब हम आई एन जी लगाते हैं वहाँ पर जो है वो स्पेलिंग का जो लास्ट वाला अक्षर होता है वह जो लेटर जो होता है वो हमेशा डबल हो जाता है। इसके बारे में हम 6, 7, 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको भली बात ही आप लोग जानते होंगे। उसके बाद हम इंटोगेटिव में चलेंगे। इंटोगेटिव में क्या होता है कि क्या सीमा रात में नहीं सो रही है, तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि यदि वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे आ जाए तो सबसे पहले हम उसके अंग्रेजी बनाते हैं, सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इज बनाएंगे, इज इज। उसके बाद तुरंत हम सीमा लिखेंगे, इज सीमा, नाट यहाँ कर देंगे, नाट है तो नाट में लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसका मेन काम है रोना, तो रो रही है कहाँ पे, डब्ल्यू डब्ल्यू पी वी मनर होता है, आई एन जी वीपिंग कर देंगे। और वीपिंग के बाद हम कहाँ, तो इन द नाइट, एन आई जी एस टी, इन द नाइट करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। असल में क्या सीमा रात में नहीं रो रही है, तो इज सीमा नाट, इज सीमा नाट, इज सीमा नाट वीपिंग इन द नाइट। उसके बाद दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव है कि वह क्यों नहीं छत पर एक गीत गा रही है, तो आपको बता चुके हैं कि यदि वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे आ जाए तो सबसे पहले हम उसके अंग्रेजी बनाएंगे। तो हम वाई को तुरंत यहाँ उठाएंगे, वाई, उसके बाद तुरंत वाई हो गया, उसके बाद तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे, वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही कर देंगे। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, सबसे पहले वाई बनाएंगे, उसके बाद हम इज बनाएंगे और उसके बाद तुरंत हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। एक चीज़ और हम देखेंगे यहाँ पे कि ये वाक्य में लड़का है कि लड़की है, तो लड़कियों के लिए हम सी लगाते हैं, लड़कों के लिए ही लगाते हैं, तो यहाँ पर हम सी लगा देंगे, तो वाई इज सी, उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, नट लगाएंगे। नाट के बाद इसका मेन काम क्या है, सिंगिंग करना, तो कहाँ सिंग करना है, एस आई एन जी आई एन जी, सिंगिंग करना, सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, और कहाँ कर रही है, तो ऑन द रूफ कर रही है, ऑन द आर डबल ओ एफ, ठीक। वह क्यों नहीं छत पर एक गीत